आज गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ गुमटी नंबर 5 कानपुर के अध्यक्ष हरजीत सिंह कारला ने प्रेस वार्ता कर बताया, मैं हर तरह से गोलक खोलने के लिए तैयार हूँ, पर जब भी गोलक को खोलने का प्रयास किया जाता है तो विपक्षी ट्रस्टी गोलक खोलने का विरोध करते हैं और अराजकता फैलाते हैं। नवंबर माह में मैं अराजकता व गुंडागर्दी को रोकने के लिए पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। मैंने स्वयं एक माह पूर्व गोलक खुलवाने में अड़चने दूर करने के लिए अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था। गुरुद्वारे में दान पात्र तोड़कर रकम चुराने की घटना से पूर्व गोलक खोलने की प्रक्रिया सामान्य थी, इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। गोलक ट्रस्टी व संगत के सामने खोली जाती है। गोलक चोरी की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल है, जिसमें आत्मजीत सिंह पिंकी को जेल भी जाना पड़ा था और पुलिस द्वारा कमरे को सील भी किया गया था, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, वह आप इस पूरी खबर में देख सकते हैं। वहीं आत्मजीत सिंह पिंकी ट्रस्टी गोलक की चाबियों की मांग करते रहते हैं। एक वीडियो के अनुसार जिसमें चोरी की गई रकम को कमरे में रखा हुआ है और नई गोलकों की चाबियों की मांग की जाती है। आरोप लगाते हैं दान पात्र सफ़ेद चादर से ढके गए हैं। इस संबंध में मेरा कथन है, जब पूर्व में एक गोलक साइड में रखा गया तो तोड़कर चोरी की गई। अध्यक्ष होने के नाते इस धनराशि की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए समस्त गोलकों को गुरु महाराज व संगत के सामने रखा गया और सभी सीसीटीवी कैमरे के सामने। सिख धर्म में संगत का स्थान गुरु के बराबर होता है, इसलिए संगत से कोई भी विवाद का प्रश्न नहीं उठता है। विवाद केवल ट्रस्टियों के बीच में आपसी विवाद है। मेरी ओर से गोलक खोलने पर कोई रोक नहीं है और सिख धर्म में संगत का स्थान सर्वोच्च होता है। गोलकों में रखी गई सारी रकम पूजनीय बाबा मोहन सिंह जी की अमानत है, इसे शीघ्र से शीघ्र बैंक में जमा करवाना चाहिए। ऑन कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग के साथ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और ट्रस्टियों व संगत के सामने गोलक खोली जानी चाहिए। आइए सुने क्या बोले अरजीत सिंह कारला। चाहते हैं कि आप ये देख लीजिए कि उनके कमरे में अभी भी वो सारी पुरानी चोरी की गई रकम मौजूद थी, वो रिकॉर्डिंग आपके सामने हम जरा दिखाना चाहते हैं। कि हम लोग किसी भी समय गोलकों को खोलने के लिए तत्पर हैं और हमारा ये निवेदन है कि मीडिया भी उसमें मौजूद रहे, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो, संगत के लोग भी मौजूद रहें और विपक्षी ट्रस्टी भी मौजूद रहें, किसी तरह की कोई शंका ना रहे। लेकिन ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि हम खोलना नहीं चाहते। हम तत्काल खोलना चाहते हैं और उस धनराशि को तत्काल बैंक भी भिजवाया जाए, चूँकि ये बाबा जी की अमानत है ये धनराशि। इसके अतिरिक्त एक अन्य आरोप लगाया गया कि हमारे और संगत के बीच में विवाद है। सिख धर्म में संगत का स्थान सर्वोच्च होता है, संगत के सामने मैं नतमस्तक हूँ, संगत से विवाद का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवाद ट्रस्टियों में है, न कि संगत और कमेटी के बीच में। इसलिए हमारा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि उन ट्रस्टियों को भी और बाबा जी के चरणों में अरदास है कि सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और गोलकों को खोलने में लोग सहयोग करें व अन्य मामलों को भी निपटाएं और इस मामले का समाधान शीघ्र से शीघ्र हो सके।